সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর এই নির্বাচনে নিজেদের রণকৌশল প্রস্তুত করতে প্রস্তুত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। সেই মতো জনতা কংগ্রেস পার্টি পশ্চিমবঙ্গের ভোট ময়দানে নিজেদের প্রার্থী দিতে প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার জনতা কংগ্রেস পার্টির জাতীয় সভাপতি ডক্টর মেহতাব রায় সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের রণকৌশল নীতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों का और आप सबका नमस्कार। और पश्चिम बंगाल के आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश में मैं ही कहना चाहूंगा कि दो चार दिन में या दस दिन में जो भी हो, अभी तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दो चार दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जहां तक रही बात दो पार्टी की, तो दो पार्टी नहीं है पश्चिम बंगाल में, आज दर्जनों पार्टी ऐसी है जो चुनाव फाइट कर रही है। और वो जनता के ऊपर होता है कि किसको बड़ी पार्टी के रूप में, नहीं यकीनन आपकी कहना जायज है कि बड़ी पार्टी के रूप में, तो बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी आम जनता बनाती है, न कि कोई बड़ी पार्टी होती है न कोई छोटी पार्टी होती है। जो जनता के भरोसा पे खरा उतरेगा उसको जनता सड़कों पर बैठाती है, खरा नहीं उतरने पर हमने देखा है बड़ी बड़ी पार्टियों का हसन देखा है। रही बात पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो आज का परिदृश्य है वो सिर्फ जाति आधारित है, मजहब आधारित है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोनों पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे टीएमसी रही हो या बीजेपी रही हो, ये दोनों पार्टी सिर्फ जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। दोनों का यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भाड़ में जाए, हमें किसी भी तरह से सत्ता मिलनी चाहिए और सत्ता के लिए ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन जो था उसमें दो तीन पॉइंट था, तो मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि जनता कांग्रेस क्या उस लेवल तक अपने आप को साबित कर पाएगी, तो हाँ जरूर, मैं यकीन दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि पश्चिम बंगाल में जनता कांग्रेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूती के साथ उभरेगी। कारण क्या है कि जनता कांग्रेस का जो उद्देश्य है भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एक सभ्य समाज का निर्माण करना, जो पश्चिम बंगाल में आज की डेट में आप देख रहे हैं भय का माहौल व्याप्त है। शाम को आप घर से निकलते हैं आपको पता नहीं होता कि रात बिरात आप घर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या यूं समझिए कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं किस पार्टी को नहीं दे रहे हैं इस पे भी हिंसा हो रही है। दूसरी तीसरे क्या है कि जाति आधारित यानी हिंदू मुस्लिम की जो माहौल सार्द जो बिगाड़ी जा रही है, बिगाड़ने का काम हो रहा है हर जगह, ये एक तरह से तनाव का माहौल है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों बड़ी पार्टी का सियासत जो है विकास और जनता की मूलभूत जो सुविधा है सिद्धांत है इससे बाहर है, और दोनों पार्टी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस है जाति आधारित। और हमारे हमने पहले भी कहा कि देखिए जनता कांग्रेस अभी 8-10 स्टेट में हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में लड़े हैं, छत्तीसगढ़ में लड़े हैं, महाराष्ट्र में लड़े हैं, बिहार में लड़े हैं, यूपी में लड़े हैं, झारखंड में लड़े हैं, हम कहीं भी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। हम क्या है भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एक सभ्य समाज की, एक सभ्य सरकार के निर्माण के लिए हम काम करते हैं, और इसी मुद्दा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।